हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। आप सब लोगों का एक नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे, जैसे कि कुछ लोग पहली बार जब इन्वर्टर बैटरी खरीदते हैं तो उनको ये जानकारी नहीं होती है कि कितना बड़ा इन्वर्टर और कितनी बड़ी बैटरी लेना चाहिए, कौन सी कंपनी की और क्या रेट होता है। तो आज के इस वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अच्छे इन्वर्टर बैटरी का रेट भी बताएंगे, कितने एच की बैटरी पर कितने बीए का इन्वर्टर लगाना चाहिए और कौन सी कंपनी की बैटरी और कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगाना चाहिए, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या रेट है मार्केट में और आपको किस रेट में रहना लेना चाहिए, कौन सी बैटरी की होम सर्विस है, कौन सी बैटरी की होम सर्विस नहीं है। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स, ये मेरी शॉप है। शॉप अच्छी लगी आपको 1% भी, तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो पर केवल और केवल 1000 लाइक हम चाहते हैं, आप सब लोगों का प्यार एंड सपोर्ट से हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बात बताऊंगा बिल्कुल सच और सही होगी, क्योंकि मुझे इन्वर्टर और बैटरी की नॉलेज है। मैं सेल करता रहता हूं कि कौन सी बैटरी में क्या प्रॉब्लम्स आती है इन्वर्टर की वजह से, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आती है बैटरी की वजह से। ये आप देख सकते हो इन्वर्टर्स वगैरह हैं, और मैं हर प्रकार की बैटरी कंपनी की भी सेल करता हूं और अच्छी ब्रांडेड कंपनी की भी बैटरी सेल करता हूं। तो मैं इस इन्वर्टर बैटरी के माध्यम से आपको बिल्कुल साफ और क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो होता है ये इन्वर्टर का नंबर होता है, आप मतलब एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये इन्वर्टर का नंबर होता है और यहाँ पर जो होता है वो बैटरी का नंबर होता है ये, ठीक है। जैसे कि ये 185 एच की है और वहीं दूसरी तरफ ये 150 एच की है, वहीं इन्वर्टर जो है 700 प्लस है और ये 1275 है। अब होता क्या है, जैसे कि ये 185 एच की बैटरी है, ठीक है, कम से कम आपको इस 150 एच की बैटरी पर आप 600 बीए या फिर 700, 800, 900 जितना भी लगा सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सबसे छोटा भी लगा सकते हो 600 भी, और सबसे बड़ा भी लगा सकते हो। छोटी बैटरी में ये होता है कि आप लगा सकते हो, उसके बाद अगर आपकी ये 185 एच की बैटरी है तो मेरे हिसाब से आप इस पर 600 बीए इन्वर्टर मत लगाना, इससे आपकी बैटरी की चार्जिंग का इशू होता है। और अगर ये 1275 इन्वर्टर है तो 400-500 रुपये ही बढ़ेंगे, और बैटरी का अगर लाइट कम आ रही है तो भी जल्दी चार्ज हो जाएगी 185 एच की बैटरी इस इन्वर्टर से। जैसे कि अगर ये 6 घंटे में बैटरी को चार्ज कर रहा है तो ये इन्वर्टर जो है वो 8 से 10 घंटे में चार्ज करेगा, ये होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये 700-800 वाट लोड उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो है वो 500 कुछ वाट लोड उठाएगा, ये भी होता है। चार्जिंग का भी इशू होता है और बैकअप का लोड का भी इशू होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपकी 150 एच की बैटरी है तो आप उसके ऊपर उस बैटरी पर 600 बीए से बड़ा कितना भी बड़ा लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी 225 एच की बैटरी या फिर 200 एच की बैटरी है, उस पर आप 600 बीए लगा रहे हो, तो आपको अगर आपका ज़्यादा बैकअप लोड है, मतलब मोटर वगैरह चलानी है, तो वो नहीं चल पाएगी। इसलिए आप बड़ा इन्वर्टर लगाइए, लाइट कम आएगी फिर भी आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी बैटरी इन्वर्टर लगाओ तो बढ़िया सेट लगाओ, अच्छा सेट लगाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम की आईडी पर जाके मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। ये मेरी खुद की शॉप है, ठीक है। इस इन्वर्टर बैटरी के माध्यम से आपको समझाया, अब मैं आपको इन बैटरी और इन्वर्टर के रेट बता देता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो है माइक्रोटेक का 1275, ठीक है, 12 वोल्ट में सबसे बड़ा मॉडल है, बड़ा सबसे बड़ा मॉडल है मेरे हिसाब से। माइक्रोटेक 24x7 हाइब्रिड है, इस टाइप का इन्वर्टर है, और ऑन ऑफ का स्विच और बाकी सब लाइटें वैसे ही हैं जैसी होती हैं। तो ये 5000 रुपये के ऊपर मिल जाएगा आपके रीमा, क्या रेट है 200-400 रुपये का, इधर और उधर भी हो सकता है। और वहीं अगर स्पीड की बैटरी की बात करें 185 एच की, तो ये 13 और 14 के आसपास है आपको मार्केट में मिल जाएगी, ये 18000 रुपये के समथिंग सेट है। वहीं दूसरी तरफ ये 17000 रुपये का सेट है, ये AQMH प्लस, ये इन्वर्टर समथिंग आपको 3500 रुपये का मिल जाएगा, ऊपर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और वहीं अगर 150 एच की बैटरी की बात करें तो ये समथिंग आपको 13000 रुपये के आसपास या ऊपर या नीचे मिल सकता है, 200-400-500 रुपये का फर्क होता है। तो 17000 रुपये का एसेट बनना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है अगर आप नया इन्वर्टर बैटरी लेते हो या फिर आप दोबारा लेते हो, तो ये गारंटी और वारंटी का फंडा, इस पर लिखा है 60 महीने, और वहीं दूसरी तरफ स्पीड की बैटरी पर लिखा है 36 महीने। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई स्टार टाइप का लोगो नहीं बना हुआ, स्टार मतलब, और बोलूं तो इस साइड में जो है वो स्टार बना हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस स्टार का मतलब होता है कि इसमें इस नंबर में वारंटी भी ऐड है, मतलब इसकी 36+24, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है 36+24, तो इसकी 3 साल की रिप्लेसमेंट और 2 साल की वारंटी है। लेकिन इस कंपनी ने इस पर जितनी गारंटी है उतना ही लिखा है, 36 मंथ की फुल रिप्लेसमेंट। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप किसी और बैटरी इन्वर्टर से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके अभी बता देना, मैं अभी आपकी वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, गुड बाय।